क्लास 7, तुम लोग का मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रहा था ना। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ 1 नंबर और 3 नंबर शायद मैं करके भेज दिया था। अब आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म ही करूँगा। यू आर रेडी? ओके, राइट। क्लास 7, एक्सरसाइज 8.1। फोर तक मैंने होमवर्क दिया था, 5 नंबर मैं करने जा रहा हूँ। 5, 16,000 वर लेंट, 16,000 रुपये कर्ज लेता है, 10% पर एनम कंपाउंड हफेली, हफेली कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष के लिए। व्हाट इज द सीआई ऑन बाय द लेंडर, तो देने वाला को कितना रुपया लाभ होगा। प्रिंसिपल कितना है? 16,000, रेट 10%, तो हाफ ईयरली कर रहा मैंने 10/2 यानी रेट 5%। टाइम 1/2 ईयर्स, 18 मंथ/3, 6 मंथ करके 3 टाइम्स, ठीक है। तो सी आई का फॉर्मूला क्या था? P1+R/100N-P, तो P 60,000, 1 R क्या है 5% आ गया है, 100 × 3 16,000 1+1/20 20, 21, 20, 3 टाइम्स है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 8, 4, 2। ओके, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ ऊपर का। अब हो गया 2 × 21 × 21 × 21 − 16,000। ओके, तो 21 × 2 = 42, ए मल्टीप्लाई हो गया इंटू 21 ये हो गया 8.1। राइट, फाइव था, ठीक है। 6 होमवर्क, 6 इज द होमवर्क।
7. Amir made a fixed deposit, 8,000 for 9 month, 20% per annum, compound quarterly. Find the amount by the Amir in the period. Principal, time, 9 month, quarterly, 9 by 3 times, rate 20%, 20 by 4, 5%, CA, P 1 plus R 100 N 8,000 1 plus R 5 20 time 3 देखो कितना हो रहा है ₹9,261 आंसर ओके अच्छा यहाँ तक तो हो गया अब मैं 9 नंबर कर दे रहा हूँ Principal 3 2 7 6 8 rate 9 months Red
ये कटा दो, बचा गया 4 × 33 33 33। चेक योर आंसर। ओके कर लो। एक्सरसाइज ऑल होमवर्क, ठीक है।